वहीं नए आईटी रूल्स 2021 के तहत ट्विटर ने शिकायतों का निपटारा करने के लिए अधिकारी की नियुक्ति कर ली है। ये जानकारी ट्विटर ने दिल्ली हाई कोर्ट को सुनवाई के दौरान दी। दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका लगाई गई थी जिसमें कहा गया कि ट्विटर नए नियमों का पालन नहीं कर रहा है। आखिरकार ट्विटर ने नई आईटी नियमों को लागू करने का फैसला कर लिया है। सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट को ट्विटर ने बताया वह अपने आईटी रूल्स 2021 को लागू कर रहा है और भारत में एक अधिकारी भी 28 मई से नियुक्त कर दिया गया है जो स्थानीय शिकायतों का निपटारा करेगा। केंद्र सरकार द्वारा जारी नए आईटी नियमों का पालन नहीं किए जाने पर सोशल मीडिया नेटवर्क ट्विटर के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में पिछले हफ्ते याचिका दाखिल की गई थी। याचिका में ट्विटर को तत्काल प्रभाव से सरकार द्वारा इन नियमों का पालन करने का आदेश देने की मांग की गई थी। याचिका में कहा गया था कि केंद्र सरकार ने इसी साल 25 फरवरी को नए आईटी नियमों को जारी करते हुए ट्विटर सहित सभी सोशल मीडिया नेटवर्क को 3 महीने के भीतर इसे अमल करने का निर्देश दिया था। 25 मई को समय सीमा समाप्त होने के बाद ही ट्विटर ने अब तक अपने प्लेटफॉर्म पर ट्वीट के बारे में शिकायत के निवारण करने के लिए किसी अधिकारी को नियुक्त नहीं किया था। आपको बता दें आईटी नियम 2021 को केंद्र सरकार ने इसी साल 25 फरवरी को अधिसूचित किया था जिसके तहत सोशल मीडिया नेटवर्क को इस बात का पता लगाना होगा कि कोई मैसेज सबसे पहले किसने भेजा। इसके साथ ही किसी पोस्ट या मैसेज के बारे में शिकायतों का निवारण के लिए स्थानीय शिकायत अधिकारी को नियुक्त करने के लिए कहा गया था। विनय सिंह, टोटल न्यूज़।